ये दोस्तों 1020 की RM2 -8086 1020 का पावर सप्लाई है, और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है अब देखिए, ये फ्यूज होता है ठीक है, आपका प्रिंटर नो पावर हो जाता है उस केस में, स्पार्क तो करता है आप लगाते हो जैसे आवाज़ आता है, तो फ्यूज वगैरह सब कुछ ओके आपने चेक कर लिया फिर भी आपका प्रिंटर ऑन नहीं हो रहा है। तो बताना चाहूँगा यहाँ पे दो प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज लगे होते हैं, एक यहाँ पे एक कभी कभार यहाँ पे, तो ये वाला फ्यूज ओपन है, देखिए रियर साइड से आपको चेक करके दिखाता हूँ, पकड़ना भाई। तो बजर एंड से जाएंगे हम, देखेंगे देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बनेगा क्योंकि बीप नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पे। तो आपको दिखाता हूँ लाइव टेस्ट करके कि किसके वजह से क्या फेलियर हमें देखने को मिलेगा, तो चलिए जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 24 वोल्ट प्रेजेंट होना चाहिए, देखिए यहाँ मल्टीमीटर में प्रेजेंट है, बट यहाँ पे चेक करोगे तो 24 वोल्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, देखिए ये देखिए किसी भी तरीके से यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, चाहे ये स्विच प्रेस करके या विदाउट प्रेस करके, ठीक है देखिए यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, और पास से दिखाओ, यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ बट यहाँ पे देखने को मल्टीमीटर में नहीं मिल रहा है, 0-0। ठीक है, चलिए यहाँ पे जंपर लगा कर आपको दिखाते हैं, जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो नियर टू क्लोज आओ दोस्त। तो जंपर लगाएंगे इसमें, और जो हमारी प्रॉब्लम है उस टाइप की प्रॉब्लम आपकी आ रही थी वो सॉल्व हो जाएगी, यहाँ पे 24 वोल्ट आएगा, आपका प्रिंटर ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए आप एक नॉर्मल जंपर वायर लीजिए, कॉपर की कोई भी एक पतला सा वायर लगाइए जिससे फ्यूज बना सको, या तो आप फ्यूज बदलना है तो आप बदल लीजिए। तो फिलहाल हम इस्तेमाल करने वाले इसमें, अरे आयरन मिल, हीट ही नहीं है। तो इसमें हम यहाँ पे फ्यूज लगाएंगे, जनरली यही होता है अगर यहाँ पे 24 वोल्ट प्रेजेंट है तो लगा देंगे, प्रिंटर हमारा ओके हो जाएगा, ओके कंडीशन में। और इस अभी मैं प्रिंटर में नहीं लगा के दिखा रहा हूँ, बट जो आप देखेंगे जो मैं चीज़ बता रहा हूँ यही चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। चलिए अब चेक करके देखते हैं फ्रेंड्स। तो अब इसमें हम पावर कनेक्ट कर लेंगे इजीली, देखिए बैक साइड से चेक कर लेंगे, ठीक है देखिए कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए 24 वोल्ट जैसे फ्यूज लगाया देखने को मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे चेक करेंगे तो ये प्रेस करने के बाद 24 वोल्ट यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, देखिए स्विच प्रेस किया, स्विच छोड़ा, 24 वोल्ट आ गया, और ऐसे नॉर्मल बिना प्रेस किए। तो आप समझ सकते हैं कि इसके वजह से आपका पावर प्रिंटर में नहीं आएगा, ठीक है, प्रिंटर आपका डेड हो जाएगा, सप्लाई रिपेयर हो गई विद इन 5 मिनट। वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।